हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अनिल कुमार यादव सूरज, स्टडी नॉलेज के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं समाकलन के ट्रिक्स के बारे में। तो अभी तक तो आप समाकलन लगा रहे थे, अच्छे खासे जितने आ रहे थे उतने आप कर रहे थे, और व्हाट्सएप पे भी जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उसको पूछ रहे थे और हल ले रहे थे। लेकिन आपको बीच बीच में ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये किया गया है, कुछ लोग को आ रहा है कुछ लोग को नहीं आ रहा है। तो हम समाकलन के ट्रिक्स लेकर आए हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से अलग अलग ट्रिक्स तो नहीं बता सकते, लेकिन आज के वीडियो में हम एक जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, वो भी मात्र हम कह सकते हैं 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। अब स्पीड आपकी होनी चाहिए, यदि आप स्पीड तेज करते हैं तो 20 सेकंड 30 सेकंड में कर लेंगे, और हमारी स्पीड इस ट्रिक से 15 सेकंड में कर लेते हैं। लेकिन आपकी ट्रिक, इस ट्रिक को पाने के बाद आप कितना कर पाएंगे ये आप पे निर्भर करेगा। आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा कि आप कितना समय लगाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पहले उस ट्रिक के फॉर्मूले को हम लिख देते हैं, कौन सा ट्रिक है उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला किस टाइप का है, ये कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स अपान सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स डी एक्स। यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये क्वेश्चन पहले पूछेगा इस तरह से, यहां पे कोई वैल्यू रहेगा, कुछ भी रह सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी, और यहां पे भी जो एबीसीडी है कोई भी संख्या रह सकता है, फिर कॉस एक्स साइन एक्स ये है। तो इस चीज का हम फॉर्मूला जो बना रहे हैं, इधर थोड़ा जगह स्पेस कम है इसलिए हम यहां पे लिख दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला जो बनाएंगे वो लिखेंगे एसी प्लस बीडी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एडी माइनस बीसी। ये ए और डी मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये इंटू लॉग, ये जो हर है हमारा सी कॉस एक्स प्लस डी साइन एक्स हर, तो इसको लिख सकते हैं हर, और प्लस सी कॉस टेंस के लिए सी तो होना जरूरी है। ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस ट्रिक से आप बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को अभी सरल कर सकते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप सरल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से उसको पहले कन्वर्ट करेंगे, इस सूत्र में पहले कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद उसको हल कर लेना है। यदि इस तरह से क्वेश्चन दिखते हैं तो आप तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिखते हैं तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, करने के बाद उसको हल कर लेना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को बता देते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस tan x dx। हमें पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस रूप में चेंज करना है। तो इस रूप में चेंज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए कर लेते हैं, पहले इसको लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, आपको भी पता है, तो लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और अपॉन कॉस एक्स और डी एक्स। ये तो क्लियर है, फिर ये कॉस एक्स ऊपर भेज देते हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, चलिए ऊपर भेज लेते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स, ऊपर तो चला गया कॉस एक्स, और अपॉन क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और यहां पे डी एक्स, ये मिल गया। यहां पे देखिए हमें क्या करना है, इस रूप में बनाना है कि कॉस एक्स और इधर साइन एक्स होना चाहिए। तो हमारा जो ये बना है कॉस एक्स तो बन गया, लेकिन साइन एक्स नहीं मिल रहा है, और नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और यहां पे भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो हमें जो साइन एक्स बनाना है उसको हम बना लेते हैं, पहले लिखेंगे जीरो साइन एक्स, जीरो साइन एक्स लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा ये जीरो हो जाएगा। तो हमें यही मिल गया, और हमें इस चीज को क्या करना है,
इस फॉर्मूले से हल करना है। तो चलिए लगा लेते हैं इसको। ए सी, तो हमारा ए हमारा वन है, बी हमारा जीरो, सी हमारा वन, डी हमारा वन। इसका गुणांक देख लेते हैं। फिर हमें लिखना है ए सी प्लस बी डी। तो ए सी मतलब ए और सी, इन दोनों का इस तरह से मल्टीप्लाई करना है वन का वन में। तो वन गुणे वन बराबर वन, प्लस बी डी मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मतलब टू हो जाएगा, और इंटू एक्स। फिर प्लस लगा लेते हैं, फॉर्मूला देखते चलिए कि फॉर्मूले के आधार पे हम बता रहे हैं। प्लस ए डी माइनस बी सी मतलब क्रॉस ए और डी, तो वन एकम वन और माइनस ये बी सी, तो ये हो गया जीरो, बट्टे इन दोनों का स्क्वायर मतलब जो हर ये आएगा वही हर ये आएगा ये। और फॉर्मूला आगे क्या है, लॉग लॉग हर, हर मतलब ये सारा जो है हर है उसको लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अब प्लस सी। चलिए इसको अब क्या करते हैं सही से लिख लेते हैं। तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू, तो लिखेंगे वन बाई टू को कॉमन कर लेंगे, यहां पे बचेगा एक्स प्लस, ये वन बाई टू कॉमन हो चुका है, लिखेंगे लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी। तो हमें उम्मीद है दोस्तों इस तरह से आप भी इसको कर सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर टू, इस ट्रिक के माध्यम से दूसरा क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर टू। तो दोस्तों पहले से हम आपको एक चीज बता दें, यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक या सब्सक्राइब करें या ना करें, आप करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस बनाएंगे, वो भी स्टडी नॉलेज से रिलेटेड। लेकिन हम ये कहने जा रहे हैं, यदि आप इस समय देख रहे हैं हमारे वीडियोस तो कॉपी और कलम लेकर हमेशा देखते रहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लगे पहले उसको नोट करिए, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे फिर किसी और को वीडियो को देखने चले जाएंगे तो आपका ये जो लिखा हुआ है ये मिस हो जाएगा और आप खोजते रह जाएंगे कि हमारा वीडियो वो कहाँ गया। तो इसलिए आप उसे तुरंत नोट कर लें, और लाइक करना होगा तो कर दीजिए, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पे हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किस कैसे था, कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो हमें कॉस एक्स को पहले आगे लिखना है, बी साइन को बाद में। तो जैसे हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के अनुसार इसको बनाएंगे। तो पहले हम बना लेते हैं, लिखेंगे टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बटे कॉस को आगे लिखेंगे फोर कॉस एक्स, और यहाँ पे प्लस थ्री साइन एक्स और डीएक्स। ये हमारा बन गया ए बी सी डी, गुणांक मिल गया। अब इसके अनुसार हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है ए सी, ए और सी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, चार दुनी के आठ, और प्लस बी डी, ये बी डी इसका इस तरह से गुणा तीन एकम तीन, बट इसका स्क्वायर दोनों का, चार का स्क्वायर सोलह, तीन का स्क्वायर नौ, सोलह नौ पच्चीस, और इंटू एक्स। प्लस लगाएंगे फिर ए डी मतलब क्रॉस अप करना है, तो ए डी का मतलब दो तिहाई छ और माइनस पांच चौके, यहाँ पे वन है, फोर वन या फोर, ये हो गया अपान जो ये पावर ये हर वाला है वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, और लॉग हर, हर हमारा क्या है, फोर कॉस एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आठ बट्टे पच्चीस, आठ तीन ग्यारह सॉरी इलेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव एक्स, प्लस इसमें घटा देंगे टू अपॉन ट्वेंटी फाइव, और लॉग फोर कॉस एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस सी। अब इसको क्या कर सकते हैं, वन अपॉन ट्वेंटी फाइव बाहर ले सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं इसके आगे, तो आप लोग समझदार हैं ही कि इसके आगे क्या करना है। मतलब ये सिंपल मेथड है, आप सिंपल मेथड से पहले उसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं। कुछ लोग के क्वेश्चन ये रहेंगे कि क्या सर इससे करने पे नंबर मिलेंगे, जी हाँ नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन आप इस चीज को थोड़ा सा लॉन्ग करके लिखिएगा, थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा कर स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो आपको नंबर मिलेंगे। और स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने और भी वीडियोस बनाए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पे भी आप जाकर
देख लीजिएगा कि कैसे समाकलन को करते हैं। तो आप लोग के सामने हम अभी एक दो क्वेश्चन भी दे देते हैं ताकि आप लोग भी सॉल्व कर लें। चलिए एक दो क्वेश्चन का केवल एक क्वेश्चन हम दे देते हैं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमें लिखकर दे दीजिएगा। हमें पता हो जाएगा कि कौन कौन एक्टिव हैं, कौन कौन सॉल्व कर पा रहे हैं, कौन कौन हमारे ट्रिक्स को समझ लिए हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन से लिख देते हैं, केवल एक ही क्वेश्चन से लिखेंगे, और क्वेश्चन से लिख देते हैं हम इंटीग्रेशन डी एक्स अपान वन माइनस कॉट एक्स। ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा उसी तरह से जिस मेथड से हमने किया है। कुछ लोग पूछेंगे ये माइनस है, तो माइनस का मतलब कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं आपको, जैसे अगर माइनस कॉस एक्स आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस और ब्रैकेट में कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका हिंट है। इस तरह से इसको आप करिए, करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें उसका आंसर दीजिए ताकि हम भी समझ सकें कि आप हमारे समझाए हुए ट्रिक को समझ लिए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।